तो है दोस्तों, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो बहुत दिनों के बाद वेलकम टू आवर द्विवेदी ब्लॉग। मैंने बहुत गैप ले लिया, अब प्लान है कि वापस ब्लॉगिंग को कंटिन्यू करना। कुछ था मजबूरी ऐसा, मतलब पर्सनल घर से, मतलब ऐसा कुछ था काम इत्यादि, तो दैट्स वाई गैप था। तो अभी का क्या सीन है दोस्तों, फिलहाल अर्ली मॉर्निंग मैं नहा करके रेडी हो चुका हूँ। अभी मैं जाता हूँ मंदिर, अपना मंदिर पूजा करूँगा, और एज यूजल थोड़ा घरेलू काम है, छोटा सा पूजा है एक दो गांव में, वो मैं करवाता हूँ। उसका आपको मैं क्लिप डालूंगा, अभी दिखाऊंगा। और शाम को कटहलगुड़ी पे पूजा है, हनुमान आराधना जो पापा करवाएंगे, तो शायद उसका भी कंटेंट आप लोगों को मिलेगा। और देखता हूँ, वो कुछ मैंने प्लान किया हुआ है, तो आप लोग कनेक्टेड रहिए फिलहाल के लिए। और दोस्तों अभी मैं जाता हूँ मंदिर पूजा करने, और अभी मेरा कैमरामैन ये है अमरेश कुमार दुबे भाई, आप देख सकते हो भाई का पोज। भाई कैमरा में कुछ कह दे, ब्लॉग में कुछ कह दे। मेरे भैया का चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट तो बहुत कीजिए, अच्छा हो गलत हो जो भी कमेंट। नहीं नहीं दोस्तों, गलत कमेंट नहीं करना है, गलत कमेंट नहीं करना है, अच्छे अच्छे कमेंट करो खूब, शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज अमरेश क्या कह रहा है कि अमरेश मेरा चैनल को ग्रो करवा देगा। अमरेश का बहुत इंस्टाग्राम में फॉलोवर है। अमरेश का चैनल इंस्टाग्राम का नाम क्या अमरेश बता? अमरेश दुबे ब्राह्मण। अमरेश दुबे ब्राह्मण बहुत बड़ा, मतलब इंस्टाग्राम में ये कुछ दिन में रोनाल्डो को पार करने वाला है। भाई का चेहरा देख लीजिए आप, भाई मेरा यूट्यूब चैनल को, और भाई का बहुत बड़ा कांटेक्ट है, तो भाई मेरा चैनल को प्रमोट करने वाला है। फिलहाल मैं जाता हूँ मंदिर, भाई अभी कैमरा करेगा, तो आप लोग कनेक्टेड रहिए। और भाई कैमरा कर देगा ना? यस ऑफ कोर्स। भाई बहुत प्रोफेशनल फोटोग्राफर है। और दोस्तों बैकग्राउंड को इग्नोर कीजिए थोड़ा, जैसे ये तार इत्यादि, ये हमारे घर का तार है, तो ये सबको इग्नोर कीजिए। दोस्तों अभी मैं मंदिर आ चुका हूँ, ये अपना मंदिर है, आप लोग देख सकते हैं भोलेनाथ का मंदिर। तो मैं छोटा सा गैप लेता हूँ, पूजा कर लेता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ। दोस्तों मेरा पूजा पाठ हो चुका है, और ये अपने बाबा शिवलिंग है, बाबा गरीबनाथ, ये नंदीश्वर महाराज, भगवान गणपति, भगवान कार्तिकेय, माता पार्वती, भगवान शंकर, माता दुर्गा, भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण, माता लक्ष्मी, और भगवान हनुमान जी। तो यही है अपने मंदिर का, भगवान का जो देवी देवता का मूर्ति है, और यही मंदिर पूजा हो चुकी है। तो दोस्तों पूजा हो चुकी है, अब मैं करता हूँ नाश्ता, और मेरा नाश्ता आज बना हुआ है फ्राइड राइस। मैं जनरली सुबह को चावल ही खाता हूँ, मतलब चावल या रोटी जो भी है, मतलब वो ऐसा नहीं है कि हाँ दो रोटी या ब्रेड इत्यादि, ऐसा नहीं, जो खाइए टाइट खाइए। इधर एक और थाली आप देख रहे हैं, वो है भाई का थाली, भाई भी रेडी है खाने के लिए, और मैं भी हूँ। और भाई का एक ड्यूटी है, आदत खराब है कि भाई को बिना टीवी का काम नहीं होता है, और ये देखिए नो सिग्नल, वाह बढ़िया, तो भाई टीवी देख के ही खाएगा, और सिग्नल है नहीं, बन जाएगा कोई नहीं। देखिए इसने सिग्नल बना ही दिया, मैंने बिना टीवी का इसका काम चलेगा नहीं। ये देखिए टीवी में कलर आ चुकी है, देखिए टीवी चल रहा है। मैं बिना टीवी के ना खा सका इसने, तो इसका बात सुनिए, बिना टीवी के ये नहीं खा सकता है। एक के बाद सुबह से शाम तक एक के बाद टीवी चल देखेंगे। साइंस का स्टूडेंट है, बिना टीवी का खाएगा नहीं। टीवी का क्या सीन है दोस्तों, मैं फिलहाल आया हूँ पूजा कराने, जा रहा हूँ पूजा, बगल में ही सामने घर है इधर वाला, में तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों फिलहाल मैं अभी पूजा करवा करके आ चुका हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरा अभी का पोशाक यही है, और
इधर कुछ है तो मैं अभी पूजा करवा के अब घर जा रहा हूँ। आप लोगों ने देख ही लिया तो गांव में एक पूजा थी और अभी इसके बाद देखते हैं आगे का क्या प्लान है। तो दोस्तों अभी इवनिंग का टाइम हो चुका है और मैं जा रहा हूँ ट्यूशन कराने। दोस्तों मैंने बोला हुआ था सुबह को अर्ली मॉर्निंग कि मैं आप लोगों को सुंदरकांड पाठ होगी ना कठलगुड़ी में पापा आज करवाने वाले हैं, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मैं जाऊँगा बट नहीं जा पा रहा हूँ बिकॉज ट्यूशन भी है ऑल्सो घर पे काम था तो पापा चले गए, मम्मी नहीं है ना घर पे तो घर पे थोड़ा छोड़ना प्रॉब्लम है, मतलब बहन लोग है भाई लोग है ना छोटे छोटे। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ ट्यूशन थिंकिंग टू क्रिएट सम कॉन्टेंट, देखता हूँ क्या होता है ट्यूशन में मतलब कुछ ऐसा। और दोस्तों मैंने बहुत गैप ले रखा था बीच में, लगभग अराउंड एक महीने से मैंने ब्लॉग नहीं डाला हुआ था है ना, तो मैं अब कंटिन्यू ब्लॉग डालने वाला हूँ। मतलब क्या हुआ था, ऐसा कुछ हुआ था पर्सनल, मतलब थोड़ा मेरे को मजबूरी था बट नाउ आई विल बी कंटिन्यूइंग द ब्लॉग्स। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा अगर चैनल पे नए हैं और सपोर्ट किया कीजिएगा। फिलहाल मैं पहुँचता हूँ ट्यूशन, तो मैं पहुँच चुका हूँ ट्यूशन। गुड इवनिंग बच्चे। निखिल हाय कर दे। ये आज न्यू स्टूडेंट आया हुआ है, ये पहले पढ़ा हुआ था। भाई क्या नाम है तुम्हारा, पूरा नाम बताओ। अभिषेक सा। ये देखिए तू बता दे। निर्जला दास। तू बता दे। निकिता उरांव। और ये देखिए ट्यूशन का लेजेंड अंश प्रधान। ये अंश हाय कर दे। तो दोस्तों फिलहाल यही है ट्यूशन, मैं पहुंच चुका हूँ, देखता हूँ। फिलहाल मैं इनको थोड़ा बहुत पढ़ा लेता हूँ है ना, क्योंकि वो भी जरूरी है। पढ़ोगे तुम लोग? यस सर। पक्का? यस सर। तो चलो निकालो बुक्स। तो दोस्तों अभी का क्या सीन है कि ये अभी ट्यूशन हो चुका है इनका, मैंने ट्यूशन छुट्टी दे दिया है। ये देखिए इरम का ट्यूशन छुट्टी हो गया ना। चलो निर्जला का ट्यूशन छुट्टी हो गया। पढ़ी तू है ना, तू पढ़ा है? यस सर। और ये देखिए इन लोगों को। तो अभी क्या सीन है कि ये दोनों जो है अंश और ये है निकिता, ये दोनों कहते हैं कि आर्म रेसलिंग करेंगे, तो इनमें जीतेगा कौन? हाँ अच्छा, अंश के लिए कौन कौन वोट करता है? अंश के लिए, अंश के लिए एक दो तीन, और निकिता के लिए अकेला निर्जला और बस। तो चलिए देखते हैं कि जीतता कौन है इसमें से। वन टू थ्री स्टार्ट। गार्जियन अभी तब ना तो पीछे आ जा। कौन जीतेगा, कौन जीतेगा? लगा निकिता ताकत, निकिता ताकत लगा, लगा निकिता। निकिता हार गई, निकिता हार गई क्योंकि निकिता ने अपना हाथ उठा दिया था। तो अभी का विजेता कौन है? अंश प्रधान। तो दांत जीभ क्यों दिखा रहा है? तो अभी का विनर है अंश प्रधान है ना। अंश तू क्या कहना चाहता है जीत के खुशी में? इधर आ, तू क्या कहना चाहता है जीत के खुशी में? हाँ कुछ भी नहीं कहना चाहता है। तो यही है दोस्तों, ये कुछ नहीं कहना चाहता है। ओए वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री। तो यही है दोस्तों फिलहाल का कंटेंट। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खूब सारा मतलब सपोर्ट कीजिए है ना। आज का यही कंटेंट था। ओए हल्ला मत करो। तो फिलहाल यही है, बाय बाय।